मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने पिछले 5 साल में राजस्थान को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कांग्रेस ने आपसे हर लीटर पेट्रोल पर 12-13 रुपया एक्स्ट्रा लूटे हैं। आपके बगल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है, आपके बगल में राजस्थान में, अरे भाई आप लोग अभी भी लोग आ रहे हैं, आपका उत्साह इतना है, अपना उत्साह इतना है, अच्छा किया खुले मैदान में कार्यक्रम रख दिया, वरना ये कोई पैंडल बन ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी सभा पैंडल में हो ही नहीं सकती भाई। देखिए आपके बगल में भाजपा सरकार गुजरात चलाती है, आपके बगल में हरियाणा भाजपा सरकार है, आपके बगल में उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार है, वहां जो पेट्रोल का दाम है आपके राजस्थान में उससे प्रति लीटर 12-13 रुपया ज्यादा है। अगर आप एक दिन में 2-4 लीटर भी पेट्रोल लेते हैं तो 50-100 रुपया ये गहलोत की सरकार बिना कारण आपसे मार लेती है जी। क्या ऐसी कांग्रेस को रहने दोगे क्या? कांग्रेस ने यहां पेपर लीक माफिया को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस ने यहां ट्रांसफर पोस्टिंग को उद्योग बना दिया, काली कमाई का जरिया बना दिया। केंद्र सरकार राजस्थान के विकास के लिए पैसे भेजती रही, कांग्रेस उसे भी लूटती रही। यहां भीलवाड़ा में पानी की कितनी दिक्कत रहती है ये मुझे पता है। अब भी कितने ही घरों को, हजारों लोगों को चंबल के मीठे पानी का इंतजार है, लेकिन केंद्र सरकार ने पानी से जुड़ी योजनाओं के लिए जो पैसे भेजे थे कांग्रेस ने उसमें भी घोटाला कर दिया। यही कांग्रेस की पहचान है, उसे गरीब और मध्यम वर्ग की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का पंजा सिर्फ गरीब पर झपट्टा मारने वाला ऐसा नहीं है, वो गरीब को, मध्य प्रदेश को, मध्य वर्गीय लोगों को, हर किसी को तबाह करता है। कांग्रेस के सारे काले कारनामे लाल डायरी में दर्ज हो चुके हैं और इसलिए लाल डायरी का नाम सुनते ही गहलोत जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। ये गणपति प्लाजा के लॉकरों से सोना की ईंटें निकल रही है, सोने की ईंटें। आपको मालूम है ना, जयपुर में गणपति प्लाजा लॉकर तोड़े गए, क्या निकला? सोने की ईंटें। और सोने की ईंटें वहां निकलती है और गहलोत को ये सोना सोने नहीं देता है। और लाल डायरी में सीएम का बेटा खुद गारंटी दे रहा है, सीएम का बेटा खुद कह रहा है पापा की सरकार अब नहीं आएगी। अब राजस्थान का बच्चा कांग्रेस के हर नेता को कह रहा है, गहलोत जी
गहलोत जी कोनी मिले वोट जी।